हाय फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ओके, आप ध्यान से देखिएगा इस सारे क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, नहीं तो बहुत डिफिकल्टी होगी। माइनस प्लस में हर एक बच्चों को दिक्कत होती है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ इजी तरह से। आप क्वेश्चन वन देखो, क्वेश्चन वन मैं बता रहा हूँ, आप देखो कि आपका वन नंबर या आपका माइनस ऑफ फोर इंटू माइनस ऑफ फाइव इंटू माइनस ऑफ एट इंटू माइनस ऑफ टेन है। ठीक है, ये सारे चीज़ को आप गौर से देखिएगा। यहाँ माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है। आप एक बात याद रखिएगा, देखो मैं इसे ब्रैकेट में दे रहा हूँ, कि अगर माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस कोई भी चीज़ हो, कितनों भी माइनस हो, ठीक है, अगर जो माइनस जितना भी है, यह माइनस एक माइनस यह आपका एक दो तीन चार पाँच जो भी है, जितना माइनस है, अगर ये माइनस की संख्या, अगर ये माइनस की संख्या जो होता है, अगर आपका क्या हो, मतलब इवेन हो, इवेन हो, तो आप क्या लिखिएगा, तो आपका इवेन होगा तो आपका प्लस होगा। ठीक है, जो लास्ट में जो आंसर आएगा वह आपका प्लस आंसर आएगा। ठीक है, अगर वहीं आपका जो ऑड होगा, अगर जितना भी नेगेटिव है, अगर इस नेगेटिव की संख्या, नंबर ऑफ नेगेटिव्स होता है, अगर आपका ऑड आ गया तो आप माइनस लगाना जो आपका आंसर में आएगा। तो अब समझो क्या होता है, आपका इवन नंबर क्या होता है एंड ऑड नंबर क्या होता है। देखो इवन है, देखो जो कोई भी संख्या अगर आपका दो से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसे इवन नंबर कहते हैं। और जो नंबर दो से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब जैसे आप एग्जांपल ले लो, दो क्या है, आपका इवन नंबर होता है, क्योंकि दो जो होता है दो से पूर्ण रूप से डिवाइड होता है। आपका फोर क्या है, वह भी इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि वह भी दो से डिवाइड है। सिक्स क्या है, वह भी आपका इवन नंबर है। एट क्या है, टेन क्या, मतलब इवन नंबर। देखो अब बड़ा नंबर आ जाए जिसके लास्ट में अगर क्या हो, मतलब टू का टू, मतलब आपका आपका कितना आ जाए, टू के टेबल में जितना भी आ जाए लास्ट में जोता है, तो वह ऑलरेडी जोता है आपका डिवाइड हो जाए। ठीक है, टू के टेबल में जितना भी आ जाए ऑलरेडी वह डिवाइड होते जाएंगे पूरा के पूरा। ठीक है, ऑड नंबर जोता है जो टू से पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो, जैसे थ्री। देखो अब जब टू से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर मीन्स शेष जो होता है वन बच जाएगा। फाइव है, जब टू से डिवाइड करोगे तो फोर रिमाइंडर आपका वन बच जाएगा, मतलब वो पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए उसे हम ऑड नंबर के, जैसे एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस, इस तरह का जो भी नंबर है जो पूर्ण रूप से दो से डिवाइड नहीं होता है उसे आप कहते हो ऑड नंबर होता है। और इवन नंबर जो होता है, जिससे जो होता है वह नंबर जो होता है आपका टू से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है उसे आप कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो देखो इसमें माइनस कितना है, पहले देखो, पहले ये देखो माइनस कितना है, एक माइनस है, दो है, तीन है, चार है, मतलब चार क्या, जो माइनस की संख्या आपका कितना है, चार है, तो क्या चार जो होता है, फोर जो होता है आपका टू से डिविजिबल है, मतलब दो से आप डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से आपका जो रिमाइंडर, पूर्ण रूप से डिवाइड मतलब समझते क्या, कि जब आप टू से उस नंबर को डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर जो होता है जीरो आए, ना कि कोई जीरो के बाद जैसे एक दो तीन चार पाँच कोई चीज़ ना आए, मतलब वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, मतलब उसका जो रिमाइंडर आए वह जीरो आए, तभी आप कहिएगा कि वह नंबर जो होता है डैट नंबर विच इज़ डिवाइजेबल बाई टू, मैंने फुल्ली जो डिवाइड हो गया। ठीक है, जैसे ये फोर है, एक दो तीन चार, तो दो माइनस की जो संख्या है मतलब नंबर है वो फोर है, तो मीन्स इवन नंबर है। तो अगर आप जैसे आप यहाँ पर फोर कर लो, फाइव कर लो, सबसे पहले आप जो माइनस छोड़ देना और इसे जो भी आपका नंबर उसको आप उतार देना, चार पाँच आठ और दस। ठीक है, तो इसे आप मल्टीप्लाई करो, तो चार से पाँच से, चार से पाँच से करो कितना होता है, पाँच चौका बीस, फिर आठ से देन, फिर एक बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार मत करना, आपको बहुत सारा एरर आ जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, क्या पता कहीं कुछ दूसरा से मल्टीप्लाई करो, कहीं कुछ आपका एक के बदले दो लिखा गया, इसलिए आप पढ़ा पढ़ी करिएगा, एक के बाद एक स्टेप कीजिएगा, तो आपका कहीं भी एरर नहीं फर्स्ट स्टेज में। अगर वहीं एग्जाम्पल में आपको पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए, और वहीं आप जब इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप एक बार में भी कर सकते हो। ठीक है,
इसलिए देखो अब 20 से 8 से करो तो 8 से 0 से करोगे तो आपका 0 होगा, 8 से 2 से 16, 160, देन 10 से करोगे तो फिर कितना होगा आपका, आपका देखो यहाँ से हो गया तो एक और 0 हो गया, मतलब 0 आपका 10 से करो इसे 0 हो गया, 16 से 10 का 160 हो जाएगा, देन आपका इतना। देखो अगर 10 से मल्टीप्लाई करना होता है ना उतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जितना एक 0 होता है उतना आप यहाँ पर उतार देते हो, ठीक है। इतना हो गया, अब बताओ यहाँ पर जो आंसर आपका रिजल्ट आ गया तो क्या यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आपकी जो भी नेगेटिव की संख्या क्या थी, आपका नेगेटिव की संख्या जो है वह क्या थी, आपका इवन था, इवन था, क्योंकि नेगेटिव की संख्या आपका 4 था, तो 4 था, 4 क्या है आपका इवन नंबर, जिसके कारण यहाँ पे प्लस होगा, और प्लस लिखे या ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस लिख भी दो फर्स्ट इसमें आपको कोई दिक्कत हो, और नहीं लिखोगे प्लस तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस जो है यूजुअली जो है नहीं लिखी जाती, क्योंकि उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं, नेगेटिव आए तो लिखना पड़ेगा, कंपल्सरी है इन केस ऑफ नेगेटिव। देखो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, देन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका लिखा है माइनस ऑफ 6 इंटू माइनस ऑफ 5 इंटू जो है माइनस, ये सब आपको जो रूल कब लगेगा, अगर बहुत सारा नंबर जो है मल्टीप्लाई के रूप में हो तो, इंटू माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 3। आप सबसे पहले माइनस को गोली मारो, इसको माइनस पे ध्यान ना दो, सबसे पहले जो नंबर है 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, या पहले आप रिप्रेजेंट करो उतार लो, उसके बाद आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, इसे गुना कर दो, 6 बचे अब क्या होता है 30, देन 7 गुना 2 गुना 3, तो फिर जो है तो क्या करो कि आप 7 से 0 करोगे तो 0 7 का 21, 210 गुना 2 गुना 3, ठीक है। देन आप इससे करो 0 एंड देन 2 से 1 से 2 एंड 2 दूनी 4, उसके बाद 3 से करो, देन देखो आपका 0 और 3 दूनी 6 और 4 तीन 12, 1260 आ गया। अब जो आपका आंसर आया या प्लस होगा या माइनस होगा, अब आपको चेक करना है कि नेगेटिव की संख्या को आप कैलकुलेट करो, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव आपका है, तो 1 2 3 4 5। तो देखो 5 क्या जो है आपका इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आपका 5 आया नेगेटिव नंबर, तो 5 जो है आपका ऑड नंबर है, क्यों, क्योंकि जो है जब आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, तो आपका 1 बच गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बच गया तो वह आपका 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है, जब पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे आप क्या कहोगे ऑड नंबर कहोगे, जिसके चलते आप यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपको, थर्ड क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका जो है माइनस ऑफ 60, माइनस ऑफ 60 इंटू माइनस ऑफ 10 इंटू माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब इस पर आप ध्यान दो, तो माइनस सबसे पहले आपको मैंने बोला है सबसे पहले जो डिजिट है उसको लिखो, अब नेगेटिव के भी छोड़ दो, नेगेटिव जो था रिजल्ट आने के बाद उसमें चेक करना पड़ता है कि आपका वहाँ पर नेगेटिव में आंसर होगा या पॉजिटिव में आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो आप 60 से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बोलेंगे 0 बढ़ जाए तो 0 इतना हो जाएगा, देन 5 से मल्टीप्लाई करो इंटू 1, देखो जब इससे 5 को और 0 से 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे 0, देन इससे भी 0, और 6 बचे 30, इतना हो गया, देन 1, और 1 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करने पर वहीं आपको नंबर आ जाता है, मतलब 3000 नंबर आ जाएंगे। अब देखना है कि 3000 जो है आपका नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम चेक करते हैं, देखो नेगेटिव 1 है 2 है 3 है 4 है, मतलब आपकी नेगेटिव की संख्या जो है क्या है 4 है, नेगेटिव संख्या 4 है, तो 4 इज योर इवन नंबर, 4 क्या है इवन नंबर है, जो कि 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा है, उसमें किसी प्रकार का रिमाइंडर नहीं आ रहा है, देन इसको प्लस हुआ, प्लस नहीं लिखी जाती है, अधिकतर के साथ लिख सकते हो, आप पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में देखना है कि आपको करेक्शन को कहीं आपको एरर ना आए, ठीक है। अब फोर्थ में देखो, उसके बाद फोर्थ में बोल रहा है कि आपका जो है माइनस ऑफ 30 इंटू माइनस ऑफ 20 इंटू माइनस ऑफ 5, तो सबसे पहले आप नंबर उतारो 30 इंटू 20 इंटू 5, तो आपका देखो 2 जीरो से जो जीरो उतार, अगर 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार देना, उसके बाद 3
दो तीन छः, छः सौ और फिर फाइव से, देन इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जीरो एंड छः पच्चे तीस, तीन हज़ार आ गया। अब देखो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो एक नेगेटिव, दो तीन, तीन है और तीन जोता है आपका नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव जोता है, नेगेटिव जोता है थ्री है, थ्री नेगेटिव है तो आप क्या कहोगे कि जो तो टू से वह नंबर जोता है थ्री डिविजिबल नहीं है पूर्ण रूप से, क्योंकि वन रिमाइंडर देता है, इसलिए आप इसमें नेगेटिव 3000 कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका जोता है, अब अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जोता है, मैं बता रहा हूँ, एक पेपर ले लूँ, उसके बाद देखो अब कौन सा आपका फोर्थ नंबर, फोर्थ हो गया ना, फोर्थ अब फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर जोता है आपका जोता है माइनस ऑफ थ्री इंटू माइनस ऑफ थ्री इंटू माइनस ऑफ थ्री इंटू आपका सिक्स टाइम्स, ठीक है। मतलब कह रहा है कि माइनस ऑफ थ्री का जो माइनस थ्री को आपको सिक्स बार, छः बार मल्टीप्लाई करनी है, मतलब आप माइनस थ्री ऐसे लिख सकते हो, फिर माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री, कितना हुआ, दो दो चार, माइनस थ्री माइनस थ्री, देखो दो दो चार दो छः, ओके। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देन आपका आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो नंबर है उसको उतार लो, थ्री 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 थ्री, दो चार दो छः, ठीक है। अब तीन से, तीन से नौ त्रिका सत्ताईस, गुन्ना तीन गुन्ना तीन गुन्ना तीन गुन्ना तीन, ठीक है। उसके बाद सत्ताईस से तीन से करो, सात त्रिका इक्कीस और तीन छः, छः दो आठ इक्यासी, गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन, फिर तीन से आपका तीन और आठ त्रिका चौबीस, ओके। देन आप क्या करो, फिर थ्री से मल्टीप्लाई करना, तो आपका होगा कितना, देखो बाबू यहाँ पर थ्री इंटू थ्री मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नाइन आएगा, ठीक है, नाइन आएगा। और उसके बाद ये दो कंप्लीट होगा, उसके बाद चार बचा, तो चार हो गया, तो फिर नाइन थ्री से करो नौ त्रिका, आपका सत्ताईस हो गया अपना, ठीक है, 27 होगा। उसके बाद आपने एक मल्टीप्लाई, एक थ्री आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तब बचा थ्री, फिर थ्री से इसको देखो, फिर थ्री से आप जोता है आप कितना 27 हुआ था, हुआ था, देन उसके बाद इतना था 27, 27 इंटू जोता है आपका थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, देन फिर थ्री सात त्रिका इक्कीस, सात त्रिका इक्कीस और तीन छः और दो आठ इक्यासी, गुना तीन गुना थ्री, ओके। देन फिर थ्री से मल्टीप्लाई, थ्री और आठ त्रिका चौबीस, देन फिर आपका थ्री से मल्टीप्लाई करो, तीन त्रिका नौ और चार तीन आई बारह, बारह और तीन का तीन छः एक सात, सात सौ उनतीस आएगा। अब देखना है कि आपका यह नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः आ गया, तो छः जोता है, सिक्स जोता है आपका क्या है, इवन नंबर, क्योंकि जब दो से डिवाइड पर थ्री बार में पूर्ण रूप से उसमें कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, देन तो आपका क्या हो गया, इस पर प्लस हो गया, ठीक है। अब सिक्स नंबर देखते हैं, तो सिक्स नंबर जोता है आपका कहता है माइनस ऑफ फाइव इंटू माइनस ऑफ फाइव इंटू माइनस ऑफ फाइव इंटू जोता है इसको फाइव टाइम्स करना है, कह रहा है कि माइनस फाइव को आपको पांच बार मल्टीप्लाई करने, देन अब देखते हैं, माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव, देखो तो दो दो चार एक माइनस फाइव हो गया, दो दो चार एक पाँच हो गया। तब देखो सबसे पहले आप नंबर उतार लो, पाँच गुना पाँच गुना पाँच गुना पाँच गुना पाँच, तो उसके बाद पच्चा पच्चीस हो गया, फिर फाइव 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 पचास पच्चीस थ्री, ठीक है, तो फिर फाइव से मल्टीप्लाई हो, पचास पच्चीस और पचास पच्चीस के बाद हाथ में दो, पाँच दूनी दस, दो बारह, एक सौ पच्चीस गुना पाँच गुना पाँच, तो पचास पच्चीस के पाँच हाथ में दो, उसके बाद बारह पच्चीस साठ दो बासठ, देन फिर पाँच से करो, ठीक है, तो पचास पच्चीस के पाँच और पच्चीस के पाँच हाथ में दो और पाँच दस दो बार, पचास पच्चीस का पाँच दस दो बारह और छः पच तीस एक इकतीस। अब देखना है कि इकतीस सौ पच्चीस जोता है आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, देन चेक करते हैं, तो नेगेटिव एक दो
तीन चार पाँच, मतलब फाइव आपका नेगेटिव है, ठीक है। फाइव नेगेटिव जो है आपका नेगेटिव जो होता है कितना है, फाइव है, तो फाइव आपका नेगेटिव है, तो मीन्स फाइव क्या होता है, वह जो होता है आपका ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर जो होता है वह ऑड नंबर में क्या होता है, जब आप इसमें नेगेटिव लगा जो कि टू से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर में आपका वन बच जाता है। अब देखो आपका जो होता है, अब पेपर एक और ले लूँ, देन आपका कौन नंबर, आपका सेवन नंबर, सेवन नंबर में आपका हो गया कितना है, आपका माइनस ऑफ वन इंटू माइनस ऑफ वन इंटू माइनस ऑफ वन इंटू, इसे आपको 200 टाइम्स करनी है, 200 टाइम्स मतलब इस वन को जब आप देखो वन इंटू वन इंटू वन इंटू, इसे आप कितना बार करो, वन इंटू 200 टाइम्स, देखो 200 टाइम मतलब वन का मल्टीप्लाई 200 बार करोगे तो क्या होगा, देखो वन में वन का मल्टीप्लाई कितनों बार कर दो आपका हमेशा वन ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप चेक करना है कि माइनस वन होगा या प्लस वन होगा, वो कैसे चेक करोगे, तो आपको उसको चेक करना है कि क्या 200 जो होता है आपका 200 डिविजिबल है या हाँ जी 200 जो होता है आपका 200 टू से डिविजिबल, क्यों, क्योंकि जब उसे डिवाइड करोगे 100 बार में कैंसिल होगा, जिसके कारण आपका प्लस हो जाएगा। अब आपका एट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका माइनस ऑफ वन इंटू माइनस ऑफ वन इंटू माइनस ऑफ वन इंटू जो होता है इसको 171 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताओ कि इसके वन से कितना मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका वन आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, आप ही सोचो। तो देखो कि अगर 170 अगर 170 रहता तो वह आपका क्या होता है, टू से डिविजन होता, लेकिन 171 है मीन्स वन रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब यह ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जो होता है इन केस ऑफ ऑड नंबर क्या देते हो आप, नेगेटिव देते हो माइनस वन, क्योंकि 171 आपका 200 से पूर्ण रूप से फुल्ली डिविजन है, इसमें रिमाइंडर आपका वन आ जाएगा, देखना आप टू से डिवाइड करके देखना, ठीक है। देखो 2 8 16 16 आपका कट जाएगा, 16 उसके बाद बचा वन बचेगा, देन आप आगे करें। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।